वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के प्रांतीय आह्वान पर मंगलवार को पदोन्नति एवं महंगाई भत्ते डीए का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित कर्मचारियों ने मोर्चे के संरक्षक हरीश बोयत एवं जिलाध्यक्ष रमेश यादव के मार्गदर्शन में इंदौर सहित समस्त ब्लॉक एवं तहसील मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपे। मोर्चे के प्रवक्ता दिनेश परमार ने बताया कि प्रांतीय आह्वान पर राज्य स्तर पर सौंपे गए ज्ञापन अंतर्गत इंदौर तहसील में ब्लॉक अध्यक्ष योधराज पटेल के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी सुनील झा को, देपालपुर में तहसील अध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी को, हातौद में सीताराम परमार के नेतृत्व में तहसीलदार को तथा महू में तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर को ज्ञापन सौंपे गए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हरीश बोयत, मोर्चा जिला अध्यक्ष रमेश यादव, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार पांडे, शासकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष प्रवीण यादव, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शेखर जोशी, शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आलोक परमार, राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अशोक बोरासी, शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ जीएसआईटीएस के अध्यक्ष पूरन कैथवास, जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, कमलेश सिंह, अशोक मालवी, आनंद हाडिया, पवन मोहनिया, राजेंद्र खरे, रमेश चौहान, अशोक जोशी, दीपक धनोटकर, जगदीश श्रीवास, अरुण कुमार पांडे, राजेश शर्मा, संजय अटवाल, अमित सक्सेना, जितेंद्र परमार, विपिन जोशी, रवि प्रजापत, पद्मा बामोरिया, सोनिया तिवारी, निर्मला बोरासी, लोकेश जैन, अजय पाल सारवान, राजेश सिरसिया, संजय जाधव, संजय जैन आदि सहित सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।